अभी हम नेपाल की राजधानी काठमांडू थामेल में हैं, जो मेन शहर है काठमांडू का। हम लोग बैठे हैं दुकान के बाहर, यहाँ पे बारिश होने के कारण हम रुक गए हैं। यह देखिए नेपाल का नाइट सीन, रात में कुछ ऐसा दिखती है थामेल। नहीं है हम लोग का दूसरा दिन है और हम लोग पशुपतिनाथ टेम्पल आ गए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे पानी बारिश हो रही है और जिसका सामने पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर महादेव कहाँ जमा हो गए मंदिर में। अंदर जाने से पहले जूता जमा करना पड़ता है, हम लोग जूता जमा करने जा रहे हैं। बारिश के कारण हम लोग भीग गए हम, और यहाँ पे छाता हम लेके नहीं आ पाए हैं, इसके कारण भीग गए हैं। यहाँ देखिए फाइनली हम दर्शन कर दिए हैं पशुपतिनाथ टेम्पल के। ये है मंदिर पीछे, देख सकते हैं आप। आज मंगलवार था इसलिए भीड़ कम था, तो हम लोग को आराम से दर्शन हो गए हैं। फिर भी हम लोग भीग गए हैं दर्शन करने के चलते, क्योंकि बारिश में भीड़ कम रहने के कारण हम लोग आए थे दर्शन करने, और बारिश नहीं रहने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम लोग पूजा कर लिए। आप लोग देख सकते हैं यही मंदिर है। अब हम लोग बाहर निकलते हैं यहाँ से, अंदर फोटो अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, इसके कारण अंदर से नहीं हम लोग बना पाए वीडियो। हम लोग पूजा करके निकल रहे हैं, ये है रास्ता, आप लोग देख सकते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। हम लोग बाय बाय करते हैं, आज हम लोग का डे दूसरा था, फिर कल हम लोग पोखरा निकलने वाले हैं। फाइनली बारिश छूट चुका है और हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ के ढांचा वगैरह ओल्ड है, आप लोग देख सकते हैं 2015 के भूकंप में ये काफ़ी क्षति हो गई थी पशुपतिनाथ टेम्पल। फिर भी और मेन मंदिर है उसके अंदर जो शिवलिंग वगैरह है वो डैमेज नहीं हुआ था, बाकी बाहरी ढांचा डैमेज हो गया था। ये शमशान घाट है, यहाँ दोनों इस तरफ शमशान घाट है और उस तरफ आरती होती है शाम को। ये पशुपतिनाथ टेम्पल में अंदर रास्ता अंदर जाने का, आइए भी सोमवार को ज़्यादा भीड़ रहती है। हम पूजा करके निकल गए हैं, आइए पूजा पाठ कीजिए। और ये मंदिर, और हम लोग यहाँ से निकल कर हम स्क्वायर पूरा पीछे कुछ हवन हो रहा है और इसी के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। टेंट वेट लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पीछे। निकल रहे हैं, ये मेन गेट है,
पहुंच गए दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर जाने का रास्ता है, चलिए हम अंदर जाते हैं और दिखाते हैं। काठमांडू आए तो दरबार स्क्वायर जरूर घूमना, देख लीजिए दरबार स्क्वायर। काठमांडू नेपाल की राजधानी काठमांडू आए, काठमांडू आने के बाद ये सब जरूर घूमें। फाइनली हम पहुंच गए दरबार स्क्वायर, पीछे देखिए दरबार स्क्वायर, यह है मंदिर 2015। जैसे ही आप एंट्री लेंगे उसके बाद राइट आने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह के सीन मिलता है, एक से एक टेंपल है ओल्ड। आप लोग आइए घूमिए काठमांडू, देखिए यहाँ पे कबूतर है। पंद्रह के भूकंप में आए हुए सारा मंदिर डैमेज हो गया था, सब मंदिर 2015 में डैमेज हो गई थी सब। इसके यहाँ दरबार स्क्वायर से जैसे ही हम लोग आगे बढ़े नज़ारा है, यहाँ बहुत सारा टेंपल है, बहुत ज़्यादा ओल्ड टेंपल है सर। कुछ इस तरह के सीन है यहाँ, काफ़ी अच्छा जगह है, ये घूम सकते हैं आकर। यहाँ पे कुछ मंदिर है, यहाँ पर्यटक आते हैं क्योंकि यहाँ हिंदू राष्ट्र है, इसके कारण यहाँ पे घूमने आते हैं। और प्लस यहाँ मंदिर तो इंडिया की तरह ही मंदिर है और ओल्ड ये सब है जो देखने के लिए आते हैं लोग। देखिए हम लोग घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए, एग्जिट पॉइंट पे दरबार स्क्वायर के बाद बौद्ध स्तंभ पहुँचे हैं। यहाँ पे बौद्ध का बहुत बड़ा स्टैचू है, देख सकते हैं हम लोग आगे जा रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिर है बौद्ध भगवान का, हम लोग वहां से घूम के बुद्धा स्तंभ के पास आए हैं। पीछे बुद्धा स्तंभ है, वहां से आने की मेन गेट है, इधर से आइए, वीडियो आपको भी देते हैं। इधर से आगे जाके शूज अलाउ नहीं है, यहाँ पे खाली पेट चलना पड़ता है। वहां पे लेफ्ट राइट रेस्टोरेंट है, बैठ सकते हैं आप, रेस्टोरेंट जा सकते हैं। बाकी इंडियंस और नेपाली के लिए 100 रुपये का टिकट है और फॉरेनर के लिए 500 का टिकट है। आप इंडियन हैं तो 100 रुपये में हो जाएगा आपका काम। बाकी आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, बस नेपाल आए हैं तो बस घूमना है तो घूमना। इंडियंस, हम इंडियंस को थोड़ा आराम है यार, 100 में काम हो जाता है। बुद्धा स्तंभ से हम लोग निकल गए हैं, वहाँ से निकलने के बाद हमने 200 कर लिया, कॉफ़ी पी लिया हूँ, फिर मैं आगे मेन रोड से ऑटो बुक करके या कैब निकलता हूँ अपने होटल।